जंग एक ऐसा शब्द जिसे सुन के हमारी रूह कांप जाती है। आज की कहानी भी एक जंग पर आधारित है जिसका नाम है द रेलवे मैन। ये कहानी उस समय की है जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है। कुछ सालों बाद वो खत्म तो हो गया, लेकिन उस जंग के दिए हुए जख्म कुछ लोगों के दिलों में हमेशा के लिए समा गए। तो कहानी शुरू होती है साल 1980 से। जगह है इंग्लैंड का एक वेटरन क्लब। ये वो जगह है जहाँ पे रिटायर आर्मी सोल्जर अपनी कुछ यादों को ताज़ा करने के लिए आते हैं। उन्हीं में से हम एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एरिक लोमैक्स को देखते हैं जो वर्ल्ड वॉर टू का एक अहम हिस्सा रह चुका है। एरिक सबसे अलग बैठा था, वो अभी भी उन्हीं जंग के दिनों में खोया हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहां से रेलवे स्टेशन जाके ट्रेन में बैठ जाता है, पर उसे कहीं भी नहीं जाना है। वो उस ट्रेन का पूरा सफर करके दोबारा उसी स्टेशन पे आके उतर जाता है जहाँ से वो चढ़ा था। सुनने में ये काफी अजीब लग रहा था, लेकिन ये एरिक का हर रोज का रूटीन है। वो इसी तरह हर रोज ट्रेन में सफर करता है, पर एक दिन उसके साथ कुछ नया होता है। उसके सामने एक पैट्रिका नाम की लड़की आके बैठती है और उन दोनों में काफी बातें होती है, जिसे देख के लग रहा था कि शायद एरिक को वो पसंद आ गई है। थोड़ी देर बाद वो अपने स्टेशन पे उतर जाता है, पर वो मुड़ के उस ट्रेन को दोबारा देखता है क्योंकि उसके दिल में पैट्रिका के लिए फीलिंग थी। एरिक जब से जंग से आया है वो अकेला है, उसे एक हमसफर की ज़रूरत है जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके, लेकिन शायद पैट्रिका को उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वो वेटरन क्लब जाता है जहाँ वो अपने दोस्तों को पैट्रिका के बारे में बताता है और ये सुनकर सभी उसके दोस्त बहुत ही खुश होते हैं। अब अगले दिन एक बार फिर से वो उसी स्टेशन पे जाता है जहाँ उसने पैट्रिका को आखिरी बार देखा था। वो वहाँ उसका इंतजार करता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो नहीं आती, जिसके बाद एरिक मायूस होकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे सामने से पैट्रिका आते हुए दिख जाती है। वो एरिक को देख के थोड़ा सरप्राइज होती है, उसे लग रहा था कि ये सब एक इत्तेफाक है, लेकिन एरिक के लिए ऐसा कुछ नहीं था। अब वो उसे अपने घर के लिए इनवाइट करता है और वहाँ दोनों में काफ़ी बातें होती है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। पैट्रिका कहती है कि आज तक मैंने कभी मूंछों वाले इंसान को किस नहीं किया, तो एरिक अपनी मूंछें ही कटवा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रिका प्रोफेशन से एक नर्स है। उसे 20 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन आज तक उसने शादी नहीं की। अब इसके बाद वो दोनों हर रोज़ मिलने लगते हैं और कुछ महीनों बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और फिर एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। वहाँ उसकी शादी में वेटरन क्लब के सारे दोस्त भी मौजूद थे और सभी लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन यहाँ से कहानी में मोड़ आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एरिक को उसके रूम में सोते हुए देखते हैं, पर इसी बीच वहाँ एक जापानी सैनिक आता है जो एरिक को पकड़कर एक प्रिजनर कैंप में ले जाता है जहाँ पे और भी सैनिक मौजूद थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। कुछ देर बाद एरिक को एक काले कमरे में ले जाया जाता है जहाँ एरिक उस रूम को देख के दहल जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर वो सैनिक उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और उसे अंदर बंद कर देते हैं। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में है। ये उसका एक बुरा सपना था, या ये कहें कि उसकी बुरी यादें। अब उसकी चीख सुन के पैट्रिका वहां भागती हुई आती है और वो एरिक को ऐसी हालत में देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और ये सब होने की वजह थी एरिक के दिमाग में बसी हुई जंग की कुछ ऐसी यादें जो आज तक भुला नहीं पाया। जंग से आने के बाद वो आज तक उसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। उसे हर रोज बहुत ही बुरे बुरे सपने आते हैं, पर इस बार ये बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके बाद वो बिल्कुल ही बदल जाता है। वो ना तो किसी से बात करता है और ना ही कुछ खाता है, और ये देखकर पैट्रिका बहुत ही परेशान होने लग जाती है। उसने एरिक से बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन एरिक उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अब एक दिन वो ऐसे ही एरिक की रीडिंग रूम की सफाई कर रही होती है तो उसे वहाँ एक बुक मिलती है जो उसमें कुछ स्केचेस बने हुए थे जो कि काफ़ी दर्दनाक होते हैं। उन स्केचेस में काफ़ी सैनिकों को दिखाया गया था जिन्हें मारा जा रहा था और कुछ लोगों को तो शरीर में हड्डियाँ दिख रही थी। ये सब देख के वो पूरी तरह से दंग रह जाती है कि आखिर ये सब क्या है। कुछ दिन बाद इनके घर पे एक बिलिंग मैन आता है क्योंकि एरिक ने पिछले कुछ महीने से बिल पे नहीं किया था। वो आदमी पैट्रिका से ऊंची आवाज़ में बातें करता है जो एरिक सुन लेता है, जिसके बाद मानो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वो एक चाकू से उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ खड़े लोग उसे रोक लेते हैं। अब ये सब पैट्रिका से देखा नहीं जा रहा था, उसे जानना था कि आखिर एरिक के साथ क्या हुआ था, और इसे जानने के लिए वो सीधा पहुँच जाती है वेटरन क्लब, जहाँ पर उसे एक फिनले नाम का आदमी मिलता है जो एरिक का बहुत अच्छा दोस्त है। वो उसे एरिक के हालातों के बारे में बताती है, पर वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब पैट्रिका कहती है कि मैंने 20 साल नर्स की नौकरी करी है, मैंने हजारों लोगों को दर्द से तड़पते हुए देखा है, लेकिन जो दर्द एरिक बर्दाश्त कर रहा है उसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर एरिक के साथ क्या हुआ है, मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी है। और ये बोलते हुए वो रोने लग जाती है। तभी फिनले उसे सच बताना शुरू करता है। वो कहता है कि जब एरिक जंग से आया तो उसके साथ बहुत ही बुरी यादें थी, जिसे भुलाने के लिए उसने कॉलोनल सर्विस ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उसे अफ्रीका भेज दिया गया।
वो एक रेलवे लाइन बनाया करता था, पर जब से वो लौट के आया तो वो बिल्कुल ही बदल गया। ना तो वो किसी से बात करता है और ना ही अपने बारे में किसी को बताता है। उसकी ज़िंदगी में ट्रेन की बहुत अहमियत है, तभी वो बेवजह उसमें घूमता रहता है। अब कहानी पीछे जाती है साल 1942 में, और जगह है सिंगापुर, जहां ब्रिटिश सरकार की हुकूमत है, लेकिन जापान ने उसे जंग में हरा के सिंगापुर को खुद के कब्जे में ले लिया है। जिसके बाद वहां अब जापानीज का कब्जा है, वहां उनका झंडा फहरा दिया जाता है। इसी बीच हमें एरिक को दिखाया जाता है, जो कि एक इंजीनियर है। असल में उसका काम रेडियो सिग्नल सेंड करना होता है, लेकिन अब वो और उसके साथियों को एक नई जगह पर काम करने जाना है। वो जगह जापान के कब्जे में है, और कुछ देर बाद उन्हें म्यांमार रेलवे स्टेशन पर उतारा जाता है, जहां पे एक रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। अब यहां जो एरिक देखता है, उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। लोगों से जानवरों की तरह काम कराया जा रहा था, उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी, और जो काम नहीं करता था उसे जान से मार दिया जाता था। लेकिन यहां पर इनकी किस्मत अच्छी होती है, ये लोग इंजीनियर थे और उन्हें ट्रेन इंजन बनाने का काम दिया जाता है। अब जापानीज सोल्जर सभी को एक नंबर देते हैं, और एरिक का नंबर होता है 11। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात एरिक का एक साथी कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं कुछ भी करके यहाँ से निकल जाऊँगा। वहाँ बैठे सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तभी एरिक उन्हें एक मैप दिखाता है जो रेलवे का था। वो कहता है कि हम लोग इस समय थाईलैंड में हैं, और यहाँ उसी ब्रिज को बनाया जा रहा है जो ब्रिटिशर्स ने बनाने की सोची थी, जो कि चाइना से इंडिया तक होने वाला था। और ये ब्रिज बनने से ब्रिटिशर्स को बहुत ही फ़ायदा होने वाला था, लेकिन ये ब्रिज पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जिसमें हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। इसी वजह से उन्होंने इस ब्रिज को बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन जापानीज़ ने उसी ब्रिज को बनाना दोबारा से शुरू कर दिया है, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इसमें मारे जाते हैं। अब अगले दिन एरिक और उसके दोस्त एक रेडियो बनाते हैं कुछ स्पेयर पार्ट की मदद से। वो चुपके से बहुत सारे सामानों को चुराते हैं और इस रेडियो को फाइनली बना लेते हैं। तो इस रेडियो को बनाने के दो मकसद थे, पहले तो वो बाहर क्या चल रहा है ये जान सके, और दूसरा वो अपने साथियों को एक उम्मीद दे सके कि वो यहाँ से भाग सकते हैं। अब रेडियो बन जाता और चलने भी लगता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि रशिया जर्मनी को बस हराने वाला है, और ये न्यूज़ पूरे कैंप में फैल जाती है, जिससे कि सारे लोग के अंदर एक जोश आ जाता है। पर पता नहीं कैसे ये न्यूज़ जापानीज़ को भी पता चल जाती है कि इन लोगों ने रेडियो बना लिया है। और इसके बाद वही होता है जिसका हमें डर था, जापानीज़ एरिक और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं, जिन्हें एक साथ खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ पर एक तकाशी नाम का जापानीज़ ऑफिसर था, जो सबसे ज़्यादा क्रूर था। वो पहले उसके साथियों को मारता है, और इतना मारता है कि वो मरने की हालत में आ जाते हैं। अब एरिक को भी दोषी पाया जाता है, और एरिक सामने आता है और बोलता है कि मैं इन सब का जिम्मेदार हूँ। वो नहीं चाहता था कि उसकी चक्कर में और भी लोग मारे जाएं। ये जानकर तकाशी उसे बहुत मारता है, और वो अपनी जान लगा देता है उसे मारने के लिए। उसके आसपास खड़े सारे ब्रिटिश सैनिकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर थे और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर यहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं होता। हम देखते हैं कि तकाशी एरिक के कैंप में आता है और बोलता है कि तुम्हें दोषी पाया गया है, इसलिए आज तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, पर अगर तुमने बता दिया कि तुमने वो रेडियो क्यों बनाया है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और इसके बाद वो उसे अपनी बाइक के पीछे बांध कर उसे घसीटते हुए ले जाते हैं, और उसे काले कमरे में ले जाके बंद कर दिया जाता है, जिसे सोच के आज भी एरिक की रूह कांप जाती है। जापानीज़ दो हफ्ते के बाद उसे उसी हालत में कैंप में लाकर छोड़ देते हैं, पर अब एरिक वो पहले वाला एरिक नहीं रहा। उसके शरीर पे हर जगह चोट के निशान थे, पूरी बदन सिकुड़ चुकी थी। उसके साथ ही सोचते हैं कि वो मारा गया, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन यहाँ एरिक ने फिर भी नहीं बताया कि उसने रेडियो क्यों बनाया था, और ना ही उसने ये किसी को आज तक बताया कि उन दो हफ्तों में उसके साथ क्या हुआ था। चलिए अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ फिनले ये सब पैट्रिका को बता रहा होता है, जिसे सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एरिक ने इतना दर्द सहा है। फिनले कहता है कि एरिक को प्यार की ज़रूरत है जो तुम उसे दे सकती हो, पर अभी भी वो पहली नहीं सुलझी। आखिर उन दो हफ्तों में एरिक के साथ क्या हुआ था। अब पैट्रिका घर आती है और एरिक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है, पर वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। एक दिन फिनले उसे मिलने के लिए बुलाता है और एक न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसमें तकाशी की फ़ोटो छपी थी, और वो बताता है कि ये वही ऑफिसर है जिसने एरिक को टॉर्चर किया था, जो कि थाईलैंड में अभी एक टूर गाइड की जॉब कर रहा है, और आज भी वो ज़िंदा है। और एरिक को ये जानने का पूरा हक है कि आज वो जिस हालत में है उसका दोषी आज भी ज़िंदा है। तुम अगर चाहो तो उसे ये सारी चीज़ें बता सकती हो, पर पैट्रिका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप कल हमारे घर पर आएं और इस बात को एरिक के साथ शेयर करें। अब अगले दिन वो उसके घर आता है, और जब ये बात एरिक को पता चलती है तो वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। एरिक कहता है कि अब हम सोल्जर नहीं हैं, हम स्कूल टीचर हैं और रिटायर्ड सोल्जर हैं।
मैं एक हस्बैंड हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन फिनले चाहता है कि एरिक थाईलैंड जाए और तकाशी को उसी तरह से मारे जैसे उसने हमारे साथ किया है। वो एरिक से एक बार फिर पूछता है कि उस रूम में क्या हुआ था, लेकिन एरिक उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद वो लोग फिनले को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं, लेकिन घर आने पर पैट्रिका को एक बहुत ही बुरी खबर के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि फिनले ने सुसाइड कर लिया है, और ये सुनकर वो पूरी तरह से दंग रह जाती है और फौरन जाके एरिक को बताती है। और ये खबर सुनकर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, और अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था, और बाहर से वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। दरअसल फिनले भी एरिक की तरह ही उस दर्द से जूझ रहा था जो कि अब उससे बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। और अब यहाँ पैट्रिका पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था उस जंग के दौरान, क्योंकि उस घाव को भूलने के बजाय वक्त के साथ और वो ताज़ा होते जा रहे हैं। अब फिनले का फ्यूनरल होता है पर एरिक उसमें नहीं जाता। वो घर पर तकाशी की छपी हुई फ़ोटो लेके निकल जाता है। अब जब पैट्रिका घर आती है तो देखती है कि एरिक वहाँ पर नहीं है। अब उसे समझ आ जाता है कि एरिक तकाशी से बदला लेने गया है, और जब एरिक घर लौटेगा तो वो अपनी सारी यादों को पीछे छोड़ कर आएगा। अब सीन कट होता है और हम एरिक को थाईलैंड के स्टेशन पे उतरते हुए देखते हैं। वो यहाँ बिना किसी को बताए तकाशी से मिलने आया था। उसकी ट्रेन उसी ब्रिज से होकर गुजरती है जो उसके साथियों ने खून पसीने बहाकर बनाया था। अब थाईलैंड में पहला कदम रखते ही मानो वो फिर से एक बार 1942 में चला जाता है। अब जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था हर चीज़ ताज़ा होती जा रही थी। वो वहाँ के एक म्यूज़ियम जाता है जहाँ उसी रेलवे ब्रिज बनाते हुए सैनिक शहीद हो गए थे उनकी याद में स्टैचू बनाया गया था। यहाँ हम उसके हाथ में एक चाकू भी देखते हैं जो कि वो तकाशी को मारने के लिए लाया है। वो आज अपना सारा गुस्सा उस पर निकालने वाला है। और थोड़ी देर बाद उसे तकाशी एक बुद्धा मंदिर में दिख जाता है जो एक टूरिस्ट गाइड की जॉब कर रहा था। वो उन टूरिस्ट को उसी कैंप में लेके जाता है जहाँ वो ऑफिसर हुआ करते थे। उसका पीछा करते करते एरिक भी वहाँ पहुँच जाता है, और वो वहीं खड़ा रहता है। जब ले जाते हैं तो वो अंदर जाता है जहाँ पे कुछ जापानीज सैनिकों की यादों में फ़ोटो लगाई गई थी। कुछ देर बाद वहाँ तकाशी आता है जो अब बिल्कुल बदल गया था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एक साथ हज़ारों दर्द से गुजर रहा हो। शायद ये उसका कर्मा है जो उसने ब्रिटिश सोल्जर के साथ किया था। अब पहले तो वो एरिक को पहचान नहीं पाता, लेकिन थोड़ी देर में उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे पहचानते ही वो उसे माफ़ी मांगता और कहता है कि उसने जो भी सैनिकों के साथ किया उसकी सज़ा आज तक वो भुगत रहा है। लेकिन यहाँ पर एरिक बदले की भावना से आया था। अब कहानी एक बार फिर से पास में जाती है जहाँ पर तकाशी एरिक को अपने सामने उसी जगह बैठा के उसे सवाल पूछ रहा है जहाँ वो आज खुद बैठा हुआ है। वो बार बार उससे बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर तुमने वो रेडियो क्यों बनाया है, और एरिक बस उसे एक ही जवाब दे रहा था कि मैंने बस वो बाहर की न्यूज़ सुनने के लिए बनाया था। वो बस एक रिसीवर रेडियो है, उसे किसी को संदेश नहीं भेजा जा सकता। मैं कोई जासूस नहीं हूँ। लेकिन तकाशी उसकी बात सुनने को राज़ी नहीं होता। वो उसे और टॉर्चर करता है, और उसके साथ कुछ ऐसे काम होते हैं जो बताए नहीं जा सकते, बस उसे एरिक ही महसूस कर सकता है। इसके बाद तकाशी उसे बाहर लाता है और वहाँ लिटा के उसे खूब मारता है। एरिक चिल्लाता है पर यहाँ उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। और इसके बाद वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। साथ साथ में उस पिंजरे में चूहे भी छोड़ दिए जाते हैं जो एरिक के हर हिस्से को नोच डालते हैं। लेकिन यहाँ भी जापानीज नहीं रुकते। वो आखिर में उसे काले कमरे में ले जाते हैं जिसकी झलक आज भी एरिक को डरा देती है। हर रोज़ वो लोग उसके साथ ऐसा ही करते हैं। और दो हफ्तों के बाद 1942 में ब्रिटिश सैनिक एक बार फिर थाईलैंड पे अपना कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद सारे ब्रिटिश सैनिकों को छुड़ा लिया जाता है। वो लोग तकाशी को भी पकड़ लेते हैं पर उसे अच्छी इंग्लिश आती थी, और वो ब्रिटिश सैनिकों से झूठ बोलता है कि वो एक ट्रांसलेटर है और उसने किसी को भी नहीं मारा है। उन लोगों ने उसे यहाँ जॉब पर रखा था, और ये झूठ बोल के वो सज़ा से बच जाता है। और उसके साथ ही समझ जाते हैं कि तकाशी एक गद्दार है। वेल, उसके बाद वहाँ सालों तक खुदाई चलती रहती है, और जहाँ पर हज़ारों ब्रिटिश सैनिकों की डेड बॉडीज़ मिलती है जो देखने में काफ़ी दर्दनाक मंजर होता है। लेकिन ये सारी सच्चाई छुपाकर तकाशी बच गया था, पर एरिक और फिनले जैसे हज़ारों सैनिक आज भी उन दिनों को याद करके सहम जाते हैं। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ तकाशी कहता है कि मेरे पोस्ट के दौरान जितने भी सैनिक मरे या फिर मैंने उनको मारा, उनके चेहरे आज भी मुझे याद है। मैं सालों से सो नहीं पाया हूँ, और हर रोज़ मैं ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वो शायद मुझे कभी माफ़ ना कर पाए।
और यहाँ पर एरिक के मन में बदले की आग जल रही थी। वो सेम उसी तरह से उसका हाथ रखता है जैसे कि सालों पहले तकाशी ने उसके साथ किया था, पर यहाँ पर वो उसके हाथ को नहीं तोड़ता क्योंकि एरिक उसके जैसा नहीं है, लेकिन वो उसे घसीट कर बाहर ले जाता और उसी पिंजरे में बंद कर देता है जहाँ एरिक को सालों पहले बंद किया गया था। और इसके बाद आखिरकार पूरे 45 साल बाद वो उसी काले कमरे में दोबारा जाता है जहाँ वो अपने उन दो हफ्तों को याद करता है। यहाँ आखिरकार हमें पता चलता है कि उसके साथ उन हफ्तों में क्या हुआ था, क्यों वो उस कमरे को देख के इतना ज़्यादा डर जाता है। कहानी पास में जाती है, हम देखते हैं कि जापानीज़ उसे वहाँ लिटा देते हैं। पहले तो वो उसे खूब मारते हैं और उसके मुंह में पानी भर देते हैं और एरिक लगातार चिल्लाता रहता है कि मदर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हैं। और वो उसे एक ही सवाल पूछते थे कि उसने वो रेडियो क्यों बनाया, जिसके जवाब में एरिक एक ही जवाब देता था। और इसी तरह से उसके साथ यही सब दो हफ्तों तक चलता रहता है। अब एरिक और ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो उन्हें एक सच बताता है। वो कहता है कि जब तुम जापानीज़ ब्रिज बना रहे होगे तो अमेरिका तुम्हारे शिप डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से जापान में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी और तुम्हारे लोग भूखे मरने लगेंगे, और फिर अमेरिका तुम्हारा ब्रिज, तुम्हारे रोड, सब कुछ बर्बाद कर देगा जिससे तुम्हारी फैमिली भूखी मर जाएगी। और यही सारी चीज़ें मैंने रेडियो पर सुना था। लेकिन तकाशी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आर्मी हार रही है, तुम लोग कुत्ते की तरह सरेंडर करोगे, अपनी हालत देखो, जैसी तुम्हारी हालत है मैं तुम्हारी आर्मी की भी वैसी हालत कर दूंगा। अब ये सारी चीज़ें सोचकर एरिक की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बाहर आता है और तकाशी के साइड में बैठ के फिनले के बारे में उसे बताता है कि वो चाहता था कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। तकाशी कहता है कि मैंने हर रोज़ खुद को उसी तकलीफ में महसूस किया है जो मैंने तुम लोगों को दी थी, लेकिन फिनले सही था, मुझे मार डालो, शायद मुझे ऊपर वाले ने इसी दिन के लिए ज़िंदा रखा है। लेकिन एरिक ऐसा नहीं करता, वो उसे आज़ाद कर देता और उसे पता लग गया था कि अब ये तकाशी वो पहले वाला तकाशी नहीं है। वो और मैं दोनों ही अंदर से खोखले और बेजान हो गए हैं और ऐसे लोगों को मारकर कोई भी फायदा नहीं है। वो वहाँ से उसी ब्रिज पर जाता है और अपने उस चाकू को फेंक देता है। अब यहाँ से वो सीधा अपने घर जाता है जहाँ एरिक ने आज महीनों बाद पैट्रिका को गले से लगाया था। वो समझ जाती है कि जैसे उसने सोचा था वैसे ही हुआ है, एरिक ने अपनी बुरी यादों को पीछे छोड़ दिया है। सो कुछ दिन बीत जाते हैं पर अब सब कुछ सही होने लगता है। उसके बाद एरिक अपने सबसे अच्छे दोस्त फिनले को बहुत याद करता है और कुछ दिन बाद एरिक के पास तकाशी का एक लेटर आता है जिसमें लिखा था, डियर एरिक लोमैक्स, मैं तुम्हारे चेहरे को आज तक भूल नहीं पाया हूँ। हमारी आर्मी ने तुम्हारे लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, जंग खत्म हुए बहुत समय बीत चुका है, लेकिन आज भी मैं तड़प रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारा हाथ, तुम्हारी आंखें, हो सके तो मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को दूर कर दो। ये लेटर एरिक पैट्रिका को दिखाते हुए कहता है कि मुझे एक बार फिर से थाईलैंड जाना होगा, पर इस बार तुम भी मेरे साथ चलना। अब सीन कट होता है और एरिक को उसी जगह खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ उसने पहली बार काम किया था। वहाँ पर तकाशी भी आता है और उसे जापानीज रिवाज से उसके सामने झुककर उसे सम्मान देता है और नम आंखों से उसे माफ़ी मांगता है। अब एरिक उसे वही लेटर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि जिस तरह सालों मैं दर्द में था, तुमने भी बहुत दर्द झेला है। ये सुनकर तकाशी उसे गले से लगाकर रोने लगता है और एरिक ने तकाशी को माफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी को माफ़ कर दे तो उसका दिल बहुत ही बड़ा होता है और ये एरिक ने करके दिखा दिया था। और ये देखकर दूर खड़ी पैट्रिका रोने लगती है और इसी खूबसूरत अंत के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आखिर में हमें तकाशी एरिक की ओरिजिनल फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बने रहे और 2011 तक साथ रहे, क्योंकि उसी साल तकाशी की मौत हो गई जिसके एक साल बाद यानी कि 2012 में एरिक की भी मौत हो गई। तो आपको ये जंग की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।